नाजरन सलामुन अलैकुम। कम्बाइन सोशल टीवी की जानिब से मुझे शरफ हासिल हुआ कि मैं माह मुबारक माह रमज़ान मुबारक की कुछ फदीलत खुसूसियात कुछ अमल पेश करती चलूँ, कुछ हदीसें पेश करती चलूँ कि जिस पर हमें गौर करना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه। ناظرین السلام علیکم। الحمد لله بے شک آپ سب خیریت سے ہوں گے। اس ماہ مبارک کا روز ہے, بابرکت والا مہینہ ہے। जैसा कि हमारी गुफ्तगू थी माह रमज़ान की फजीलतों पर, माह रमज़ान की खसूसियात, लेकिन आज का जो मौजू है वो है माह रमज़ान के अमल। हमें क्या अमल करना चाहिए, कैसे कैसे अमल बजा लाना चाहिए जिससे खुदा इस माह मुबारक में, वो अमल है जैसा कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वज्जु फरजहु। माह रमज़ान मुबारक में रसूल अकरम का खुतबा है कि शेख सुद्दूक ने मोतबर सनद के साथ इमाम रज़ा अलैहि सलाम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वज्जु से रवायत की है, और आपने अपने बुज़ुर्गों के हवाले से अमीर अल-मोमिनीन से नकल किया है कि रसूल अकरम ने एक दिन यह खुतबा इरशाद फरमाया कि कौन सा खुतबा था, अय्युहन्नास माह रमज़ान बरकत और रहमत व मग़फ़रत के साथ आता है। ये वो महीना है जो रहमत और बरकत के साथ आता है। बेशक ये वो महीना है जो खुदा की नज़र में बेहतरीन महीना है। इसके दिन बेहतरीन दिन हैं, इसकी रातें बेहतरीन रातें हैं, और इसकी सआते बेहतरीन सआते हैं। तो रसूल अकरम इरशाद फरमा रहे हैं, ये वो महीना है जिसमें तुमको खुदा की मेहमानी में बुलाया गया है और तुम्हें अहले करामत में बेशुमार किया गया है। तुम्हारी सांस तस्बीह का सवाब रखती है, तुम्हारी नींद इबादत है, और तुम्हारे आमाल मकबूल हैं, तुम्हारी दुआएं इस महीने में मुस्तजाब हैं। लिहाजा परवरदिगार से अच्छी नीयत और पाकीज़ा दिल के ज़रिए दुआ करो ताकि तुम्हें इस महीने में रोज़ा रखने और तिलावत कुरान करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन इलाही आमीन। अल्लाह का हबीब फरमा रहा है, शकी और बदबख्त वह शख्स है जो इस महीने में बख्शिश से महरूम रह जाता है, यहाँ की भूख और प्यास से कयामत की भूख और प्यास का एहसास करो। अल्लाह पर क्या फरमा रहा है, अल्लाह का हबीब फ़कीरों और मिस्किनों को सदका दो, बुज़ुर्गों का एहतराम करो, बच्चों पर रहम करो, क़रबाओं पर नवाजिश करो, अपनी ज़बानों को बुराइयों से अलग रखो, तभी अल्लाह इस रोज़दार का सोना क्यों सवाब रखा, क्यों कहा ये इबादत है, रोज़दार का सोना इबादत है। मैंने कि पहले बताया कि
रोजदार का सोना इसलिए सवाब है, इसलिए बात है कि अगर रोजदार जागेगा तो वो कोई ना कोई गुनाह करता जाएगा। तो अल्लाह का हबीब फरमा रहा है, अपनी जबानों को बुराइयों से अलग रखो, अल्लाह अपनी निगाहों को नीची रखो उन चीज़ों से जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। कानों से वो चीज़ें ना सुनो जिनका सुनना हराम है। यतीमों पर मेहरबानी करो ताकि लोग तुम्हारे बाद तुम्हारी यतीमों पर मेहरबानी करें। गुनाहों को छोड़ के खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अपने हाथों को दुआओं के लिए औकात नमाज में बुलंद रखो, जो बेहतरीन वक्त दुआ है, और परवरदिगार उस वक्त में बंदों पर निगाह रहमत करता है और दुआओं को कबूल करता है। अगर वो मुनाजात करते हैं तो सुन लेता है। ऐ वो लोगों जिनकी ज़िंदगियां उनके आमाल के हाथों रहें हैं, खुदा की बख्श तलब करो। और अगर तुम्हारी पुश्त गुनाहों के बोझ से संगीन हो गई है तो तूल सजदे से उसे हल्का बनाओ। और ये याद रखो कि परवरदिगार ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाई है कि नमाज गुजार और सजदा गुजार बंदों पर इस महीने में आज़ाब नहीं करेगा और उन्हें आतिश जहन्नम से नहीं जलाएगा। वो अल्लाह जो रहीम भी है, जो करीम भी है, कि फिर रसूल ने फरमाया अय्युहन्नास, जो शख्स इस महीने किसी मोमिन को इफ्तार कराएगा परवरदिगार उसे ग़ुलाम आज़ाद करने और गुज़िश्ता गुनाहों के बख्शिश का सवाब इनायत करेगा। बाज़ असहाब ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह, हर शख्स के पास तो इतनी ताकत नहीं है। फरमाया कि अपने को इफ्तार के ज़रिए जहन्नम से बचाओ, चाहे आधा दाना खुरमा क्यों ना हो और एक घुट पानी ही क्यों ना हो, परवरदिगार उस पर भी यही सवाब देगा अगर इंसान इससे ज़्यादा पर कादिर ना हो। फिर फरमाया अय्युहन्नास, इस महीने में अपने अखलाक को दुरुस्त रखो ताकि इस दिन से रात से बासानी गुजर जाओ, जिस दिन सारे कदम फिसल रहे होंगे। जो शख्स भी इस महीने में अपने गुलामों और कलीजों से कम काम लेगा, खुदा रोज़े क़यामत उसके हिसाब को आसान कर देगा। और जो शख्स भी इस महीने में अपने शर से लोगों को बचाए रखेगा, परवरदिगार उसे अपने ग़ज़ब में मुब्तला ना करेगा। और जो शख्स भी इस माह में किसी यतीम का एहतराम करेगा, खुदा क़यामत के दिन उसे बाइज्जत बना देगा। जो शख्स भी इस महीने में अपने क़रबाओं के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, खुदा रोज़ क़यामत इसके सर रहमत का सलूक करेगा। और जो शख्स भी अपने क़राबतदारों के साथ अच्छा बर्ताव ना करेगा, खुदा रोज़ क़यामत अपनी रहमत के रिश्तों को तोड़ देगा। जो शख्स भी इस महीने में सुन्नती नमाज अदा करेगा, उसे जहन्नम से बरअत का परवाना मिलेगा।